अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक कर गए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही अच्छी रेसिपी। आज मैं आपको बताने जा रही हूं प्रॉन करी। इससे पहले भी मैंने प्रॉन करी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, तो आज मैं जो प्रॉन करी की रेसिपी बता रही हूं वो थोड़ी बड़े साइज़ की प्रॉन है, और इससे पहले मैंने छोटे वाले प्रॉन को डाला था। बहुत स्वादिष्ट लगती है, बच्चे इसे बहुत अच्छे से खाएंगे, बिल्कुल कांटा वगैरह कुछ भी नहीं होता है। कैसे बनाई जाती है चलिए फटाफट दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर हमने प्रॉन को साफ कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसे किस तरह से साफ करना है, किस तरह से क्लीन करना है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। इसमें एक वेन होती है, नस होती है, जिसे निकालना बहुत जरूरी होता है, और वो होती है इस बीच में। इसमें यहाँ से इसे खींच कर निकालना जरूरी होता है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी आगे किस तरह से साफ करना है, क्योंकि उस वेन को आप नहीं निकालेंगे तो बहुत ज्यादा वो पॉइजन होती है उसमें, तो बहुत से लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं आज आपको बाकी को हमने साफ कर लिया है और इस प्रॉन को किस तरह से साफ करना मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसी तरह से गोटा फ्राई करके खाते हैं, लेकिन नहीं, हमें ऐसा पसंद नहीं। तो पहले हम इसे इस तरह से इसका छिलका इस तरह से हटाएंगे, ये आगे की जो भी पार्ट है उसे सारे को, इसके पैर वगैरह को सारे को हमें छील लेना है। इस तरह से देख सकते हैं आप, तो आप देख सकते हैं इसकी पूरी जो स्कल होती है वो निकल गई है। तो प्रॉन जब भी लीजिए, अब जैसे हमने लिया है हाफ के जी प्रॉन, तो ये क्लीन करने के बाद बहुत कम निकलती है। ये सारी चीजें निकालने के बाद प्रॉन बहुत काफी कम हो जाती है। देखिए सारे कुछ हमें निकाल दे रही हूँ, इसका जो सर वगैरह है। अब हम इसे भी इस तरह से साफ करना मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो है इन सारी चीजों को हमें इस तरह से क्लीन कर लेना है, देख सकते हैं आप। अब हम निकालेंगे इसके बीच की वेन को, इस तरह से देखिए ये बीच की वेन निकल गई। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये जो ब्लैक दिख रही है इस तरह की, ये एक ब्लैक वेन है। इसे आप इस तरह से पकड़ कर खींचेंगे तो ये पूरी की पूरी निकल जाती है। देखिए मैंने सारे के इस तरह से निकाले हुए हैं, इसे इस तरह से क्लीन कर लेना है। अभी मैं इसे वॉश फिर से करूंगी, पहले तो मैंने वॉश किया ही था। एक और मैं दिखा रही हूँ, देखिए आपको दिख रही होगी ये बीच में काली सी वैन। इसे इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से पूरी तरह से इसे खींच कर निकाल देना है। इसे भी इसी तरह से दो मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था। बहुत से लोगों को नहीं पता होती है कि किस तरह से इसे साफ किया जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। देखिए इस तरह से मैंने सारे कुछ निकाल दिए, ये इसका सर है, इसे भी हम निकाल देंगे। बहुत से लोग होते हैं कि गोटा फ्राई करके खाते हैं, अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन मैं पसंद नहीं करती हूँ, इसे पूरा क्लीन करके ही खाना पसंद करती हूँ। तो इस जगह पर इस तरह से यदि ना हो तो आप देख सकते हैं, देखिए ये वैन दिख गई। अब इसे पकड़कर या चाकू से कट लगा लीजिए, देख सकते हैं ये वैन अब ये क्लीन हो गई। अब हम इसे वॉश करेंगे, तो आप देख रहे होंगे जो भी हमने साइड में रखे हैं सारे वैन है इसके। तो चलिए अब हम इसे धो लेते हैं अच्छी तरह से, सारे को हमने क्लीन कर लिया है। तो देखिए हमने इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और अच्छी तरह से वॉश कर लिया, आप देख सकते हैं ये प्रॉन हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश हो गई है। तो जिस तरह से हमने बताया इस तरह से यदि आप क्लीन करके इसे बनाएंगे तो ये काफी फायदेमंद होती है, बहुत ज्यादा इसमें प्रोटीन होता है। तो हाफ के जी प्रॉन हमने ली थी और इसे साफ करने के बाद ये आपकी 300 ग्राम प्रॉन बची है। तो देखिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रॉन करी।
जिसके लिए लिया है हमने हाफ के जी प्रॉन। ये जो बड़े साइज़ वाली प्रॉन आती है आप देख सकते हैं, ये छील कर धो कर इतनी बड़ी हुई है। तो इसके जो सर वगैरह होते हैं, पैर वगैरह सारे हमने निकाल दिए हैं। मैं इसी तरह से बनाती हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसके छिलके सर वगैरह सारे पैर वगैरह के साथ बनाते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो इसे अच्छी तरह से छील कर आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल वाइट दिख रही। बहुत अच्छी तरह से हमने धोकर इसके सारे चीज़ निकाल कर साफ़ कर लिए। ये हमने लिया है हाफ के जी प्रॉन। और जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से इसे छीलना है, किस तरह से बनाना है, उसी मेथड से आप इसे छील कर अच्छी तरह से वॉश करके 2 से 3 बार रख लीजिए। यहाँ हमने लिया है 2 मीडियम साइज का प्याज और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 12-15 कली लहसुन के हमने लिए हैं। इसे हमने पेस्ट बनाना है, इसलिए मैंने रफली चॉप किया हुआ है। सारी चीज़ों का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। मीडियम साइज के 3 आलू को हमने इस तरह से मोटे मोटे कट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और 2 प्याज को हमने इस तरह से चॉप किया है, 1 टमाटर को हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, इसे हमने एक बर्तन में निकाल लिया है और इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और हल्दी। हल्दी और नमक में हमें इसे कोट करना है, मैरिनेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 1 छोटा चम्मच हल्दी डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से हाथों को अच्छी तरह से वॉश करके हाथों से हमें इसमें हल्दी और नमक को अच्छी तरह से कोट कर लेना है। बहुत स्वादिष्ट और बहुत पौष्टिक ये प्रॉन होती है, जिसे इसे इंग्लिश में प्रॉन कहा जाता है। ऐसे बहुत से लोग इसे झींगा, बहुत से जगह पर इसे चिंगड़ी, अलग अलग नाम से जाना जाता है। झींगा, चिंगड़ी, ऐसा झींगा बिहार वगैरह में कहा जाता है, चिंगड़ी बंगाल में कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे प्रॉन कहा जाता है। तो देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से कोट कर लिया। तो चलिए अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ, जिसे फ्राई करेंगे हम। तो देखिए, यहाँ कढ़ाई में हमने 2 चम्मच ऑयल डाला है, सरसों का तेल है। आप चाहे तो कोई भी ऑयल बना सकते हैं, लेकिन मैं सरसों के तेल में ही इसे बनाती हूँ सारी सब्जियों को, और सरसों के तेल में काफ़ी अच्छी बनती है। तो सरसों के तेल को अच्छी तरह से हमने गर्म कर लिया, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रांग स्मेल होती है, उसके लिए हमने गर्म कर लिया है। तेल हमने एक ही बार में डाल दिया है, और बाकी मैं फिश को फ्राई भी करूँगी और इसी में मैं बनाऊँगी भी। तो इसे डाल देते हैं। इसे मैं 2 बार में फ्राई करूँगी और अच्छा सुनहरा कलर आने तक हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, सिर्फ 5 मिनट का वक्त हुआ है और ये हमारी प्रॉन फ्राई हो गई है। आप देख सकते हैं, फ्राई होने के बाद एक किस तरह की गोल गोल हो गई है। बस इतना ही हमें फ्राई करना है। इसे हमने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। इसे मैं निकाल लूँगी एक अलग बर्तन में, और फ्राई होने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी साइज़ कितनी छोटी हो गई है। चाहे तो आप एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं, बिल्कुल साइज़ छोटी हो गई है। फ्राई करने के बाद यदि ऑयल अधिक लगी तो मैं ऑयल निकाल दूंगी और ज़रूरत के हिसाब से ही डालूंगी। उसके बाद जब भी मुझे फ़िश बनाना हुआ तो मैं उसमें फ़िश बना लूँगी। तो जैसे हमने पहले वाले को फ्राई किया है, उसी तरह से हम इसे भी फ्राई कर लेते हैं। और जब तक ये फ्राई हो रही है, तब तक हम अदरक लहसुन मिर्च की पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह की फ्राई होकर ये छोटी हो गई है। तो देखिए, हमने सारे प्रॉन को फ्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि आलू हमने कट किया था, उसे भी हमने हल्दी नमक में कोट कर लिया है। इसे भी हम हल्दी नमक लगाकर फ्राई कर लेते हैं। इसे भी एक क्रिस्पी लेयर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई रख लेंगे। सिर्फ 10 से 15 मिनट का वक्त हमें लगता है इन तीनों चीज़ों को फ्राई करने में, लेकिन सारे फिश से ये डिफरेंट टेस्ट आती है। इसका टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट होता है,
और सबसे बड़ी बात है फ़ायदेमंद काफ़ी है, काफ़ी प्रोटीन है इसमें और बच्चों को आप आसानी से खिला सकते हैं क्योंकि कोई भी इसमें कांटा वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर आलू भी हमारी फ्राई हो गई है, इसी भी मैं निकाल लेती हूँ साइड में। इस तरह से रोक लेने से एक्स्ट्रा ऑयल जो है कढ़ाई में ही रहेगी। आलू में एक क्रिस्पी सी लेयर आ गई है देखिए, तो ऑयल अधिक नहीं लगी है। छोटी वाली प्रॉन में बहुत ऑयल लगती है तो देख सकते हैं ऑयल मुझे अधिक लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ऑयल को निकाल लेंगे, सिर्फ जितने में हमारा मसाला भून जाए उतना ऑयल हम कढ़ाई में रहने देते हैं। तो देखिए बाकी ऑयल हमने निकाल लिया है, सिर्फ एक चम्मच ऑयल हमने कढ़ाई में रखा है और ये जो आलू और प्रॉन की जो हल्दी नमक लगा के हमने फ्राई की वो है। तो चलिए अब हम इसमें बनाएंगे करी इसकी। तो इसमें मैं डालूंगी 2 तेज़पत्ते, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून जीरा। मुझे लगा कि ऑयल थोड़ी अधिक लगेगी क्योंकि छोटी वाली प्रॉन में काफ़ी ऑयल लग जाती है, इसलिए मैंने ऑयल अधिक डाल दी थी लेकिन मैंने उसे निकाल लिया। उस ऑयल को आप किसी भी नॉन वेज में फिश फिर से बनाइए तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ जीरा हमारा क्रैकर हो गया, इसमें हम डाल देंगे ये 2 कटे हुए प्याज। प्याज को हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे अच्छी तरह से, ब्राउन कलर आने तक इसे हम भून लेते हैं। गैस का फ्लेम हमने मीडियम कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर प्याज हमारा भून चुका है, आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन कलर आ गई, सिर्फ 2 मिनट का वक्त हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज अदरक लहसुन वाले पेस्ट को जिसे हमने मिक्सर में ग्राइंड किया था और जिसमें मैंने फिश और आलू को हल्दी नमक में कोट किया था उसी में हमने मसाले निकाल लिए थे ताकि वो हल्दी और नमक वेस्ट ना हो। तो प्याज वाले पेस्ट को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर थोड़ी सी 1 से 2 मिनट भून लेते हैं। तो देखिए 2 मिनट हुए हैं और हमने प्याज वाले पेस्ट को ढक दिया था क्योंकि प्याज में काफ़ी पानी होती है तो वो उछल कर आपके ऊपर आ सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी हमारी प्याज की बिल्कुल सूख गई है और प्याज हमारा हल्का भून भी गया है। अब हम यहाँ पर डालेंगे सारे सूखे मसाले। यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी हमने सभी चीज़ों में डाली इसलिए 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। ऐसे हम मिक्स करके सारे मसालों के साथ इसे भी हम भून लेते हैं। 1 मिनट हम इसे भून लेते हैं, फिर से मैं ढक देती हूँ इसे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। यदि काली मिर्च का पाउडर ना हो तो आप साबुत काली मिर्च को भी मसालों के साथ ग्राइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 मिनट का वक्त हो गया है, चेक कर लेती हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं सारे मसाले हमारे भुने हुए ही दिख रहे हैं, देखकर ही लग रहा है, और मसालों में से ऑयल सेपरेट होने लगी है यानी मसाला हमारा भून चुका है। अब मैं डाल दूंगी इसमें ये 1 कटा हुआ टमाटर और टमाटर के साथ ही हम डाल देंगे नमक। नमक हमें हिसाब से डालना है क्योंकि आलू और फिश दोनों में नमक है तो टमाटर के साथ साथ नमक डालने से क्या होता है कि टमाटर बहुत जल्दी पक जाती है, गल जाती है। तो अब हम इसे टमाटर को भी भून लेते हैं टमाटर सॉफ्ट होने तक। मसालों को हम फिर से ढक कर 1 मिनट भून लेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है हमें, ढक देती हूँ मैं। तो देखिए 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं टमाटर हमारी अच्छी गल गई है।
मसाले जब भी भूने तो उसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनना चाहिए। टमाटर हमारी सॉफ्ट हो गई है, अब हम इसमें डाल देंगे ये जो आलू हमने फ्राई किए थे, आलू को डाल देते हैं। आलू हाफ कुक हो ही चुकी है, बस मसालों के साथ हमें इसे भून लेना है हल्का सा। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी, जिस तरह की ग्रेवी आपको बनानी हो वैसे इसकी ग्रेवी अधिक पतली नहीं होती है, तो यहाँ पर अभी हमने एक गिलास पानी यूज़ किया है। चलाकर इसे मिक्स करके देखते हैं किस तरह की, मुझे ज़रूरत पड़ी तो और मैं पानी ऐड करूँगी। ग्रेवी सेमी थिक चाहिए, ना अधिक गाढ़ी होनी चाहिए ना अधिक पतली, तो आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ी लग रही है ग्रेवी हमें। यहाँ पर हमने आधा ग्लास पानी और ऐड कर दिया है। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे हमारी ग्रेवी में कलर काफ़ी अच्छी आ जाएगी और स्वाद भी आएगी। ये तीखी बिल्कुल नहीं होती है, यदि आपको पसंद हो तो आप ऐड कीजिए वरना स्किप कर सकते हैं। और एक बात है कि कश्मीरी रेड चिली पाउडर आप जिस भी सब्ज़ी में डालेंगे ना तो उसे उसमें क्या होती है कि ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाती है, तो देखकर आपको लगेगा कि हमने काफ़ी ऑयल का यूज़ किया है, लेकिन आपने देखा मैं आपके सामने ही बनाई, ऑयल को हमने एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल ही दिया। तो अब हम मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और मैं इसे ढक देती हूँ लो हाई टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ग्रेवी में हमारी उबाल आ जाए। तो देखिए यहाँ 2 मिनट का वक्त हुआ है और ग्रेवी में अच्छी आप देख ही सकते हैं अच्छी उबाल आ गई है हमारे। एक आलू को मैं चेक कर लेती हूँ इस तरह से, देखिए बहुत अच्छी तरह से आलू हमारी पक गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे जो प्रॉन हमने फ्राई करके रखी थी। आलू के साथ बनाने से आलू में भी प्रॉन की स्वाद आ जाती है, आप चाहें तो सिर्फ प्रॉन भी बना सकते हैं। अब 1 मिनट के लिए मैं इसे ढक देती हूँ, 1 मिनट के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं और ये हमारी प्रॉन करी बनकर रेडी हो गई है। गैस को मैं यहाँ पर कर देती हूँ ऑफ। यदि आपके पास धनिया की पत्ती हो तो आप इस स्टेज पर डाल दीजिए, बारिश का मौसम है, धनिया की पत्ती बिल्कुल मुझे नहीं मिली, तो मेरे पास तो नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही, आपके पास हो तो ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, अच्छी लगती है। तो चलिए आप इसे चावल रोटी किसी के भी साथ ट्राई कीजिए, बहुत स्वादिष्ट बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स, और हेल्दी बहुत है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन है इसमें। तो चलिए मैं आपको इसे सर्व करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारी प्रॉन करी बनकर रेडी हो गई है। प्रॉन करी चिंगड़ी मछली झींगा मछली जो भी कह लीजिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल राउंड राउंड बनी है, ये जो राउंड राउंड है ये है हमारी प्रॉन। तो रोटी के साथ तो ये काफ़ी अच्छी लगती है फ्रेंड, चावल के साथ भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं, आप जिसके साथ भी ट्राई कीजिए, इसकी टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आती है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। और अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, ट्राई कीजिए रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे पता ही नहीं लगता कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं, लाइक काफ़ी कम आते हैं मुझे। तो ये हमारी बन गई प्रॉन करी, आप इसे बनाइए ट्राई कीजिए, अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, बहुत लज्जतदार बनी है, मुझे सब रुका ही नहीं जा रहा है, मुझे ये प्रॉन काफ़ी पसंद है, तो मैं तो जा रही हूँ उसे फटाफट खाने। आप भी इसे बनाइए ट्राई कीजिए, अपनी फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये प्रॉन करी की रेसिपी जरूर पसंद आएगी, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले उसे देखें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे और ज़्यादा फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।